सदन में उपस्थित सभी बुद्धिजीवों को मेरा सादर प्रणाम। मैं लायबा, गंगा जमुना तहजीब का प्रतीक, मेरे विषय अर्थात मेरे सपनों का भारत 2047 में अपने विचारों के साथ उपस्थित हूँ। जब मैं बात करती हूँ मेरे सपनों के भारत, तो महिलाएं रहे सशक्त, जहां हर बच्चा विवेकानंद और कलाम हो, जाति वर्ग का कलंक नहीं बल्कि विश्व गुरु बनने का पैगाम हो। जी मान्यवर, यही है मेरे सपनों का भारत, जहां समाज का सबसे पीड़ित वर्ग अर्थात महिलाओं को इतना अधिक सशक्त बनाने के लिए अवसर और प्रदान किए जाएं ताकि वे केवल भारत की महिलाओं का नहीं बल्कि विश्व की महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने के योग्य बन सके, जहां उन्हें संविधान में नहीं केवल बल्कि समाज में भी समान रूप से अधिकार दिए जा सके, ताकि वे अपने देश के और राष्ट्र निर्माण के लिए संपूर्ण रूप से योगदान दे सके, जहां समाज समानता पर आधारित हो ना कि वर्ण और जाति व्यवस्था पर, ताकि प्रत्येक व्यक्ति इस देश को अपना देश मानते हुए अपना योगदान दे सके। ऐसा ही समानता पर आधारित समाज मेरे सपनों का भारत है। मेरे सपनों का भारत वही है जो कि गांधी जी के सपनों का भारत था, अर्थात स्वच्छता। स्वच्छता केवल भौतिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप में भी, मानसिकता के आधार पर भी और अपने विचारों के आधार पर भी। वही स्वच्छता जिसका सपना गांधी जी ने देखा था अपने स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत। मेरे सपनों का भारत वही है जहां युवा अपनी शक्ति का प्रयोग और अपनी शक्ति का प्रयोग सही मायनों पर कर सके। वे युवा जो कि इतनी अधिक शक्तिशाली है भारत के लिए कि कई बार भारत को युवा भारत भी कहा जाता है। आज जरूरी है कि ये युवा गांधी, विवेकानंद और कलाम जैसे व्यक्ति को अपना प्रतिनिधित्व मानते हुए उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारे। वो इस बात को समझें कि किस प्रकार इन्होंने अपने जीवन का संपूर्ण समय अपने देश के विकास के लिए दिया और आज भारत को योगदान देते हुए एक विश्व में अलग स्तर पर विश्व शक्ति के रूप में उभारने के लिए तैयार किया है। आज हमारे लिए जरूरी है कि इसे विश्व शक्ति का सपनों को हम पूरा करें। इसके लिए जरूरी है कि हम प्रयास आज से और व्यक्तिगत रूप में करें, ताकि हम देशभक्त बन सके और इसी देशभक्ति के माध्यम से हम राष्ट्र निर्माण कर सके। देशभक्ति के लिए जरूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य व्यक्तिगत रूप में और सत्य निष्ठा और ईमानदारी के साथ करे। चाहे वह विद्यार्थी है, चाहे वह शिक्षक है, चाहे वह किसी भी स्तर पर है, उसे जरूरी है कि वह भ्रष्टाचार के विरुद्ध खड़ा हो, वे आतंकवाद के विरुद्ध खड़ा हो, चाहे वह आतंकवाद समाज के अंदर हो, चाहे मॉब लिंचिंग किसी भी अपराध के रूप में या फिर समाज के बाहर हो। वे बता दे इन अपराधियों को कि अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, नहीं तो ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है, ये कब्र भी तेरी है, ये कब्रिस्तान भी तेरा है। जरूरी है कि इसी विचारधारा, इसी मन की निष्ठा के साथ हम अपना प्रत्येक कार्य करें, अपने देश के लिए योगदान दें, ताकि भारत को विश्व गुरु बनाया जा सके। हम क्यों भूल गए हैं कि विश्वविद्यालय की नींव भारत ने ही रखी थी, जिस भारत ने तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय विश्व को देकर विश्वविद्यालय की नींव रखी। आज हमारा एक भी विश्वविद्यालय विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में नहीं आता। तो जरूरी है कि हम विद्यार्थी इस तरीके से शिक्षा व्यवस्था में अपना योगदान दें, ताकि फिर से भारत को एक सर्वश्रेष्ठ शक्ति बनाया जा सके। और जब विश्वविद्यालयों की और शिक्षा की बात की जाए तो भारत सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था के अंतर्गत हो। राजनीतिक स्तर पे मेरे सपनों का भारत वह है जब संसद में केवल देश के हित के लिए बनाए गए कानूनों का विरोध नहीं बल्कि उन्हें लागू करने में और उन्हें सफल बनाने में राजनीतिक पार्टियां समान रूप से विरोधी पार्टियां भी अपना योगदान दें। मेरे सपनों का भारत वही है जब भारत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सभी रूपों में सर्वश्रेष्ठ भारत बने और विश्व गुरु बनकर फिर से दिखाए। धन्यवाद।